level. First step we have a keys abutment and abutment. And abutment बनाने के बाद हमें सारी चीजें keys के लिए आपको bed की जरूरत पड़ती है तो आप अपना bed छाप के stressing का वो bed आपका लग चुका है यानी कि stressing का in the sense ये एक simple horizontal smooth surface बनाना है. तो ये बनाने के बाद हमने add abutments के जरिए से जो है वो steel का tendon एक उधर फेस कर दिया. यहाँ से हमने जो है वो कंसीडर किया कि हेड एंड इसमें कंसीडर करता लाइव एंड और चेक आपका यहाँ पे लगा हुआ है. हमने पुलिंग फोर्स यहाँ से अप्लाई किया. पुलिंग फोर्स अप्लाई होने के बाद टेंशन जनरेट हुई स्टीम के अंदर. टेंशन जनरेट करने के बाद ये लॉक कर दिया दोनों सिस्टम यहाँ से भी और यहाँ से भी. लॉक होने के बाद हमने अपना कॉन्क्रीट का मेंबर बनाया. रिंग फोर्स कॉन्क्रीट का मेंबर बनाने के बाद जब कॉन्क्रीट अपनी स्ट्रेंथ अचीव कर चुका हमने जो है वो टेंडन को यहाँ से रिलीज करके हमने जो हेड जैक खोल दिया दोनों तरफ से. उसके बाद जैसे हमारी कास्टिंग अब कंप्लीट हो जाती है कंक्रीट जैसे अपनी स्ट्रेंथ अचीव कर लेता है हम जो है वो थर्ड स्टेज की तरफ मूव करते हैं जो कटिंग ऑफ द टेंडन है. ये स्टील हमारा अब रेडी है. स्टील की जो स्ट्रेस है उनको ट्रांसफर किया है कंक्रीट के अंदर. कंक्रीट अपनी स्ट्रेंथ अचीव कर चुका है उसके लिए हम जो है वो टेंडन को कट करते हैं. जैसे हमने स्टील का ये हाइड्रोलिक जैक्स और दोनों एंड से स्टील को रिलीज किया यहाँ से हमने कट किया ट्रांसफर हो गई तमाम कि प्री टेंशनिंग और पोस्ट टेंशनिंग आपस में किस तरह से रिलेट करते हैं कि एडवांटेज एक दूसरे के कंपैरिजन. एडवांटेजेस ऑफ प्री टेंशनिंग कंपेयर टू पोस्ट टेंशनिंग आर प्री टेंशनिंग इज सुटेबल फॉर प्री कास्ट मेंबर्स एंड प्रोड्यूस द पल्प ऑन कि ये आप प्री कास्ट इंडस्ट्री के अंदर आपके लिए इजीियर है वहां पर अप्लाई करना कि आपको एक एडवर्टाइजमेंट चाहिए होते हैं तो आप साइट के ऊपर ही बना सकते हो. वो जाना आप हर मेंबर के लिए वहीं पे आप बेड बनाई उसके बाद फिर वो अपार्टमेंट्स बनाए फिर बनाने के बाद आप उसको लगभग रेडी कर रहे हो. तो ये बस क्वांटिटी में जब प्री कास्ट मेंबर्स बन रहे होते हैं तब आपका जो वो प्रीटेंशन केस जो है सक्सेसफुली यूज हो रहा होता है. एंड सेकंडली इन प्रीटेंशन लॉट ऑफ फेस डिवाइस आर प्रेजेंट के प्रीटेंशन के केस के अंदर आपके अंदर अपार्टमेंट्स प्रॉपर है तो आप जो है लार्ज इंटरेस्ट सिस्टम की आपको जरूरत नहीं पड़ती इस केस के. तो ये दोनों एडवांटेजेस हैं प्री टेंशनिंग के कंपेयर टू पोस्ट टेंशनिंग के. अब प्री टेंशनिंग के डिसएडवांटेजेस क्या है कंपेयर टू पोस्ट टेंशनिंग के. प्री स्ट्रेसिंग एक्चुअली रिक्वायर अ प्री टेंशनिंग बेड जिसके ऊपर आप मेंबर बनाने लगे हो. आपको प्रॉपर एक स्मूथ सरफेस चाहिए अच्छे तरीके से जिसके ऊपर आप तमाम जो अपना रोल या जो है वो प्री स्ट्रेसिंग का जो काम करना है उसको इजीली आप कर सके. और दूसरा जो है वो बेडिंग पीरियड क्योंकि प्री टेंशन जनरेट होने के बाद हम 28 दिन या जितना भी कॉन्क्रीट जब हम जब तक हमारी स्ट्रेंथ और एडवांटेज से इक्वल अचीव नहीं करता तब तक हम उसको नहीं कर सकते. एंड सेकंड इज देयर इज अ फैटिग पीरियड इन द प्री स्ट्रेसिंग बेड बिफोर कॉन्क्रीट अटेन्स सफिशिएंट स्ट्रेंथ. जब तक हमारा कॉन्क्रीट जो हमने प्रोवाइड किया है सफिशिएंट स्ट्रेंथ अचीव नहीं कर लेता हम प्री स्ट्रेसिंग टेंडन्स को कट नहीं करेंगे. टेंशन की जो स्ट्रेसेस हैं उनको अप्लाई नहीं कर सकते. And third is there should be good bond between concrete and steel over the transition layer. कि अगर आपका bonded anchorage है, उस केस के अंदर concrete का और pre-tension का जो steel है, इन दोनों के दरमियान एक proper bond होना जरूरी है ताकि जो stresses हैं internal stresses जो आपको produce करा है अपनी stress जो bar के अंदर, वो आपके एक equal या proper distance के अंदर जो है वो आपके distribute हो जाए number के अंदर. Now this is the set of the study. प्री टेंशनिंग के अंदर समटाइम्स हमें जो है वो इस तरह का एक प्रॉपर जो है वो स्टील का या एक हार्डर मटेरियल का हमें बेस बनाना पड़ता है जिसको ट्रेवलिंग प्री टेंशनिंग स्ट्रेस बेंच या कंप्लीट बेंच जो है वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की तरफ से बनाई गई है. इसके अंदर जो है वो पूरे एक असेंबली या कंटिन्यूअस मेंबर्स एज अ स्ट्रेसिंग के तौर पर बना रहे होते हैं. एंड दिस एंकरिंग ऑफ स्ट्रैंड्स के जब हमने स्ट्रैंड्स वगैरह लगा दिए सारे इनकी हमने प्री स्ट्रेसिंग कर ली सारी चीजें प्री स्ट्रेसिंग कर ली. प्री स्ट्रेसिंग करने के बाद हम इसके अंदर जो है वो स्टील की रिमेनिंग जो अपना कंक्रीट वगैरह की फिलिंग करते हैं. कंक्रीट वगैरह फिल हो गया उसके बाद जब तक कंक्रीट स्ट्रेंथ अचीव नहीं करता हम यहाँ से स्ट्रैंड्स को रिलीज नहीं करेंगे कट नहीं करेंगे स्ट्रैंड्स को या जो प्री स्ट्रेसिंग टेंडन्स हो. ये आपके बाद एक हाइड्रोलिक जैक है इनिशियल कैप एंड प्लेट्स और ये सारी चीज सेटअप लगा हुआ है. दोनों पिक्चर्स के अंदर आप देख सकते हैं
कि तमाम प्री स्ट्रेसिंग बार्स को जब हम इस हाइड्रोलिक जैक के जरिए पुलिंग फोर्स अप्लाई करते हैं, पुलिंग फोर्स अप्लाई करने के बाद हम इनको लॉक कर दिया तमाम चीजों को और कॉम्प्लीट को फिल करते हैं, मेंबर्स के अंदर कॉम्प्लीट फिल हो गई, कॉम्प्लीट अपनी स्ट्रेंथ अचीव की, अचीव करने के बाद हमको रिलीज करते हैं, हाइड्रोलिक जैक को रिमूव करते हैं, उसके बाद जो हमारा एक पत्थर अचीव होता है कि नाउ लास्ट थिंग इज के स्ट्रेसेस जो डिस्ट्रीब्यूट की या स्ट्रेसेस जो मेंबर के अंदर बनी वो कॉन्क्रीट के साथ अच्छा बॉन्ड बना के मेंबर के अंदर डिस्पर्स हुए या नहीं। इवन सम केसेस के अंदर हम स्वेटिंग पीरियड को कम भी कर सकते हैं, तो फॉर एग्जांपल आपकी जो पोरिंग है पोरिंग ऑफ कॉन्क्रीट इसका आप टेम्परेचर वगैरह स्प्रे कर सकते हैं, और दूसरा पोरिंग ऑफ अगर आप डाउन कंडीशन के अंदर जा रहे हैं कॉन्क्रीट को प्लेस कर दिया सारी चीजों में, उसके बाद आप क्यूरिंग का एक प्रॉपर अच्छा मेथड यूज कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल स्टीम क्यूरिंग चैम्बर हम बना लें वहां पे साइट के अंदर या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर, तो स्टीम क्यूरिंग जो आपका एक स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर देता है मेथड, इसके अंदर आप तुरंत या 7 डे के ऊपर डिहाइड्रेशन कर सकते हैं जो कि हमारा वेटिंग पीरियड को कम से कम हम कम कर सकते हैं। हमारे पास जिम वर्डिंग ऑफ स्लीपर उसके पास स्टोर कर दिया था ऊपर सबसे पहले आप कस्टमर कंप्लीट करते हो, दूसरे नंबर पे प्लेसमेंट ऑफ द टेंडन्स, उसके बाद placement of the anchorage block and jacks, third हमारे पास placement of the anchorage block and jacks आ जाता है, fourth number पे apply the tension tendons, tendons के अंदर हम tensioning apply करते हैं, उसके बाद seating of the wedges है, wedges को set किया जाता है, then finally we will go मतलब करते हैं अपने tendons। ये जब हम ये सारे steps जो है वो किस तरह से follow कर रहे होते हैं, सबसे पहले हमने costing and pay बनाया, जो pay बनाने के बाद हमने completion cost कर ली, cost करने के बाद हमने जो है वो कॉन्क्रीट के अंदर एक डक प्लेस किया, डक किस तरह से बनाते हैं कॉन्क्रीट के अंदर आया भाई आप जो है वो कोरोगेटेड पाइप्स वगैरह यूज कर सकते हो, मेटालिक पाइप्स हैं, रबर के पाइप्स हैं, वो डक आपने बना लिए, डक बनाने के बाद जो है वो कॉन्क्रीट की कास्टिंग पैड ओवरऑल आप उस तरह से नजर आ गया, जब डक लग गया डक के अंदर हमने जो है वो स्टील को पास करा दिया, जो हमने स्टील उसको टेंशन करना या फिर टेंशन अप्लाई करनी है इसके अंदर, उसके बाद हमने एंकरेज सेट कर लिए, एंकरेज सेट होते हैं एक एंड के ऊपर हमने दूसरे एंड के ऊपर जो है वो हमने चेक लगा दिया, चेक हमारा जो है लाइव एंड कहलाता है, एंकरेज वाला एंड जो है डेड एंड कहलाता है, और हमने स्ट्रेसिंग जनरेट की, जनरेट करने के बाद जो हमें हमारी लेवल ऑफ स्ट्रेसिंग जो अचीव हो गई तो हमने जो है वो कट कर दिया और यहाँ पे एंकरेज लगा दिया। जब दोनों तरफ से आपके पास एंकरेजेस लग चुके सारी चीजें हो गई, हमने अनलॉक किया सेटअप को हटा दिया और जैसे हमने अनलॉक करने के बाद रिलीज किया तमाम ट्रांसफर हो जाए, उसकी बात आते हैं व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ पोस्ट टेंशनिंग कंपेयर टू प्री टेंशन। पहले हमने क्या डिस्कस किया कि एडवांटेजेस प्री टेंशनिंग की कंपेयर टू पोस्ट टेंशनिंग, अब हमारे पास क्या है एडवांटेजेस ऑफ पोस्ट टेंशनिंग कंपेयर टू प्री टेंशनिंग, द रिलेटिव एडवांटेजेस ऑफ पोस्ट टेंशनिंग एज कंपेयर टू प्री टेंशनिंग आर एज फॉलोज, पोस्ट टेंशनिंग इज सुटेबल फॉर हैवी कास्ट इन प्लेस मेंबर्स, जब आपके पास हैवियर मेंबर्स हैं तब आपके पास पोस्ट टेंशनिंग अल्टरनेट ऑप्शन नहीं है, क्योंकि उसके अंदर से आपने डक्ट बनाया और आपका अपना हैवियर मेंबर जो है सेल में सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है उसको भी एज अ सपोर्ट के रूप में यूज कर सकते हैं। वेटिंग पीरियड इन द कास्टिंग बेड इज लेस, यहाँ पे कोई वेटिंग पीरियड नहीं है, कंक्रीट बन चुकी है, अब आपके पास जो है वो जब कंक्रीट अपनी स्ट्रेंथ अचीव कर चुका अब उसकी बात जो है वो आपकी फोर्सेज या जो ट्रायल टेंडन की स्ट्रेस वगैरह अप्लाई कर रहे हैं। ट्रांसफर ऑफ प्री स्ट्रेस ट्रांसलेशन जो है यहाँ पे बॉन्ड एंकरेज और सरफेस के दरमियान या कॉन्क्रीट के दरमियान जो है आपकी प्री स्ट्रेसिंग बार और कॉन्क्रीट के दरमियान कोई बॉन्ड नहीं है, आपका जो बॉन्ड है वो डायरेक्टली एज के ऊपर है जो एंकरेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ट्रांसमिशन लेंथ जो है यहाँ पे फैक्टर नहीं कंसिडर होगा, यानी कि तमाम जो स्ट्रेसेज है टेंडन के अंदर वो यूनिफॉर्मली बार के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो गए, तो जैसे कॉन्क्रीट के साथ वो इटसेल्फ थ्रू एंड्स कंक्रीट के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट। नाउ व्हाट आर द डिवाइसेस फॉर पोस्ट टेंशनिंग, द एसेंशियल डिवाइसेस फॉर पोस्ट टेंशनिंग आर बॉन्ड कास्टिंग बेड, शटरिंग, डक्ट्स, एंकरिंग डिवाइसेस, जैक्स, कपलर्स एंड ग्राउंड इंप्लांट, ये हमारे पास डिवाइस मिलेंगे और जो कि हम पोस्ट टेंशनिंग के लिए यूज करते हैं।
या बिकॉज समहाउ कुछ डिवाइसेस इमेजेस वगैरह हैं, डिफरेंट टाइप्स के बैचेस आते हैं आपके पास, ये शॉर्ट्स हैं, या हमारे पास जो है वो बैच ब्लैक है, वेरियस टाइप्स ऑफ स्ट्रैंड्स इसके अंदर लगे हुए हैं, उसके बाद जो है वो भी आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैचेस यहाँ पे अंदर सेट हैं, इनका हेड कलर पर जो बटन हेड्स हैं तमाम के अंदर लगे हुए हैं, ये थ्रेडेड एंकर हेड, ये ग्राउंड का इनलेट वगैरह, ये डक्ट का जो पाइप वगैरह आप लगाते हो उसके अंदर, बेयरिंग प्लेट, उसके बाद जो है हमारे पास ये वेरियस टाइप्स ऑफ बैचेस जो इसके अंदर सेट किए जाते हैं, और स्ट्रैंड्स जो है वन बैचेस के अंदर से स्ट्रैंड पास होता है, इनको हम मजीद डिटेल में आगे डिस्कस करते हैं।